और नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। नगर निगम इन दिनों जबलपुर में अतिक्रमण की वैध स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें महापौर साथ में तो आए हुए हैं। इस बार महापौर पहली बार मैदान में दिख रहे हैं, जो मतलब अतिक्रमण को हटाने के लिए और शहर को सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। और कल की घटना अगर बताऊँ इस अतिक्रमण में, तो कल वहाँ कोतवाली जो थाना है उसके सामने कुछ चाट के ठेले वगैरह लगे हुए थे। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता वहाँ जाता है और वहाँ पर कार्रवाई करता है। कार्रवाई के दौरान एक चाट वाले का ठेला होता है, वो नगर निगम के दस्ते के द्वारा मतलब वहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो ठेले को मतलब मशीन द्वारा, जेसीबी जो एक्सेलेटर मशीन है उसके द्वारा दबा दिया जाता है। इसके बाद से बहुत बवाल मचता है और ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया है। तो आज हमारे साथ में सागर बोरकर जी हैं, अतिक्रमण प्रभारी हैं यहाँ के। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब कैसे हुआ। तो सागर जी, ये जो घटना घटी ये कैसे हुई? देखिए, 10 तारीख को हमारी टीम जो कि इन जनरल कार्रवाई करती है सड़क में, सभी सड़क मार्ग के आसपास शहर में जितने भी मुख्य सड़क मार्ग हैं और चौराहे हैं, इनके आसपास लेफ्ट टर्न और इसके अतिरिक्त ऐसे सड़क मार्ग जहां पर पार्किंग की जगह पर लोगों ने ठेले लगाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे कि पार्किंग भी बाधित होती है और सड़क भी सक्रिय हो जाती है। तो यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए हमारे द्वारा दैनिक रूप से कार्रवाई की जाती है और इसी के तारतम्य में हमने तीन पत्ती से लेकर के सिविक सेंटर मालवी चौक होते हुए लाडगंज थाना और इसके बाद हम आगे बढ़ते गए और मिलोनीगंज तक की हमने कार्रवाई की। मिलोनीगंज में जो कोतवाली थाने के आगे मिलोनीगंज का एरिया जो पड़ता है, उसमें सड़क किनारे ही व्यक्ति का ठेला रखा हुआ था, जो कि उसने शिफ्ट कर लिया था, बट चूँकि वह रोड पे ही था तो उसे बताया गया कि आप अंदर कर लें। उसके बाद टीम आगे निकल गई, लेकिन जो पीछे का जो दस्ता था उन्हें ये मैसेज क्लियर नहीं हुआ और उसके द्वारा उन्होंने जो जब्त करने के मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे उन्हें जब्त ना करते हुए इनके द्वारा मौके पर ही तोड़ दिया गया, जो कि मुझे, मैंने इन्हें रोका भी लेकिन किंतु वह मिसकम्युनिकेशन के कारण वह टूट गया। तो इस वजह से यह एक मतलब ये जो घटना है ये बिल्कुल सही नहीं है और कार्रवाई नियम विरुद्ध थी। मैंने भी इसका समर्थन किया और संबंधित जो दो दल प्रभारी हैं उन्हें हमने कारण बताओ नोटिस दिया है इस संबंध में कि अपना जवाब प्रस्तुत करें। साथ ही जिसका ठेला जो डैमेज हुआ है तो उसे भी कहा है कि हम आपको, जो कि प्रशासन की कार्रवाई में ठेला डिस्टर्ब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उसे फिर से या तो एक अच्छा ठेला हम लोग बनाकर देंगे। अच्छा, ये अतिक्रमण लगातार जो कार्रवाई करता है तो ये तो खैर ये तो चीज़ आ गई, मतलब इतना हुआ तो ये सामने आ गया, ऐसी कई चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। तो ये लापरवाही अतिक्रमण की तरफ से हुई है या फिर मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ होगा या कुछ ऐसा कारण था जिसकी वजह से करना पड़ा? देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई संवेदनशील होती है, प्राय अतिक्रमण की कार्रवाई में विवाद होता ही है। यह तो उसकी तरफ से कोई विवाद हुआ था? विवाद हुआ था दोनों की तरफ, दोनों पक्ष में यह हुआ कि पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान जब यह ठेला लाया जा रहा था तब जिसका ठेला था वह अमले के साथ गाली गुफ्तार करते हुए उन्हें अपशब्द कहे। अपशब्द कहने से ठेला तो जब तक किया ही जा रहा था लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ सडनली फिर ये सब घटना हो गई। जी, आपके लोग की तरफ से जो दल प्रभारी जाते हैं फील्ड पर, तो उनको क्या निर्देश दिए जाते हैं कि मतलब अतिक्रमण की कार्रवाई किस प्रकार की करनी है, या तो उनका सामान जब्त करना है या फिर सीधे तोड़ने की, ऐसा निर्देश रहता है? देखिए, अतिक्रमण का हटाने की कार्रवाई में सामान्य निर्देश यही है कि सबसे पहले हमारे द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है, सभी को सूचित किया जाता है, सूचित करने के बाद उन्हें जो कि अतिक्रमण लगाकर रखे हुए हैं उन्हें हटाने के लिए समय देने के बाद कार्रवाई की जाती है। जो व्यक्ति हटा लेता है और हटाने के बाद जो एरिया रिक्त हो जाता है और काफ़ी समय तक रिक्त ही रहता है तो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा अतिक्रमण यथावत रखा जाता है उनका सामान जब्त किया जाता है और इसके पश्चात या फिर सामान जब्त के स्थान पर ऐसी स्थिति जहाँ पर मशीन नहीं पहुँच पा रही तो जुर्माना भी लगाया जाता है और मैनुअल फिर उन्हें पृथक किया। ये अब जब उस गरीब का टपरा बना के देंगे, 50-60 हज़ार से नीचे का तो होगा नहीं, तो अब ये किससे वसूला जाएगा, मतलब कर्मचारियों से वसूला जाएगा या फिर नगर निगम अपने खाते से देगा और दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसके लिए मतलब क्या नगर निगम की तरफ से निर्देश दिए गए? इस संबंध में दल प्रभारी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और
चूँकि और इसमें आगे जो भी एक्शन लेना है ये आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार ही होगा। लेकिन जहाँ तक बात है ठेले की, तो ठेले के लिए अभी दल प्रभारियों को ही निर्देशित किया गया कि आप इसे तैयार करके दें, तो अतिशीघ्र वो तैयार करके वो देंगे। उसके बाद इस संबंध में किसी प्रकार की जो आवश्यक कार्रवाई करना है वह आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार होगी। तो जैसा कि सागर जी बता रहे हैं कि अब ये दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो, इसके लिए मतलब दल प्रभारियों को निर्देश भी दिए गए, लेकिन सवाल उठता है कि जो अतिक्रमण की कार्रवाई जो होती है तो ये शहर को व्यवस्थित करने के लिए और साफ़ सुथरा करने के लिए होती है, लेकिन ये अचानक ही इस तरीके के जो कार्य हो जाते हैं इससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है और साथ में नगर निगम को भी दिक्कत होती है। इस गरीब का ये ठेला तोड़ दिया गया है, अब नगर निगम ने भी अपनी गलती मान ली है कि उनके तरफ से गलती हुई थी और अब वो दोबारा उस ठेले को नया बना के दे रहे हैं। नवारा टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर। अपना नाम बता रहे मोनू साहू। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन को? ये नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हो रहा था सारे शहर में, तो उसमें हमारी दुकान भी जैसे अंजलि समोसा की, तो उसको अंदर से खींच कर, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी तो हम लोगों ने अंदर कर लिया था, तो अंदर से खींच कर रोड में लाकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। तो अधिकारी के पास आए थे उन्होंने नगर निगम के, तो उन्होंने कहा अगर बनेगा तो बनवा कर देंगे, नहीं तो नया ठेला देंगे, अधिकारियों का कहना ये है। अच्छा, ये जो आप लोग ठेला लगाते हैं तो ये अतिक्रमण वाली जगह पे क्यों लगाते हैं आप लोग? नहीं सर, अतिक्रमण वाली जगह पे कन्फर्म नहीं है, जगह वही है, सरकारी जगह है, प्राइवेट नहीं है हमारी। तो नगर निगम को कुछ बैठकी वगैरह देते हैं टैक्स वगैरह वहाँ पे जब ठेला नहीं, नहीं। तो ठेला आपका घर के वहाँ से ले गए कि रोड से ही ले गए? अतिक्रमण का पता चला कि बड़े पोहर तक आ गए, तो हम लोगों ने ठेला अंदर कर लिया, तो नगर अधिकारी कई लोग रहे तो उन्होंने अंदर से खींच कर, जो गली रहती है छोटी सी, तो अंदर से खींच कर मेन रोड पर लाकर तोड़ा गया है उसकी वीडियो सब जगह चल रही है। अच्छा, अब नगर निगम ने अपनी गलती मान ली है, नया ठेला दे रहे हैं।